समांतर श्रेणी दिया है इसके n पदों के युगफल 393 है। n का मान ज्ञात करें तथा n के दोहरे मान के उत्तर की व्याख्या करें। अच्छा हमारे पास देखिए समांतर श्रेणी दिया हुआ है 63, 60, 57 ऐसे करके दिया हुआ है। एन पदों का युगफल यहाँ पे दिया है 6। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या है? प्रथम पद यानी कि ए का मान 63 है ना जी। अच्छा सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस 60 माइनस का 63 माइनस का 3 आ जाएगा। और एन पदों का योगफल यहाँ पे दिया हुआ है 693। फॉर्मूला जानते ही हैं, एस एन इक्वल टू में एन बाई टू इंटू में 2a प्लस का एन माइनस वन और इंटू में डी ए होता है। तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा एन बाई टू, 2a के जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 63 प्लस का एन माइनस वन, एन के एन माइनस वन और डी की जगह पे यहाँ पे है माइनस का 3 इक्वल टू में 693। चलिए यहाँ पे एन बाई टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 2 6 और 6 6 126 हो जाएगा ठीक है। और माइनस का 3n प्लस का 3 इक्वल टू में 693। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। n बाई टू अंदर देखिए इसको इसको ऐड कर लेंगे 129 हो जाएगा ना, और माइनस का 3n इक्वल टू में 693। दो जाएगा उधर गुना में, तो n इंटू में 129 माइनस का 3n और बराबर दो जाके दुगुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 6 9 2 18 8 1 और 6 2 12 13। चलिए यहाँ गुना कर लेते हैं 129n माइनस का 3n² इक्वल टू में 1386 ठीक है। अब इसके बाद देखिए इन सबको एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा प्लस का 3n² माइनस का 129n और प्लस का 1386 इक्वल टू में 0 ठीक है। चलिए तो अब इसका फैक्टर करते हैं, 3n² माइनस का 63n माइनस का 66n और प्लस का 1386। देखो ऐड करने पे आ जाएगा प्रोडक्ट करने पे इनके प्रोडक्ट के इक्वल। यहाँ से 3n कॉमन करते हैं तो n माइनस का 21 माइनस का यहाँ पर कितना 22 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 66 ही कॉमन हो जाएगा, 66 कॉमन हो जाएगा तो एन माइनस का 21 आ जाएगा है ना इक्वल टू 0। चलिए दोनों ब्रैकेट में सेम है तो कॉमन कर लेते हैं एन माइनस का 21 को, तो 3n माइनस का 66 इक्वल टू में 0 बच जाएगा। अब देखिए अलग अलग कर लेते हैं, एन माइनस वन इक्वल टू में 0 और 3n माइनस 66 इक्वल टू 0। एन इक्वल टू में यहाँ पे 21 और 3n इक्वल टू में 66 ये जगह डिवाइड में तो इनका 22। तो वही कह रहे थे कि दोहरे मान के बारे में भी आपको बताना है क्या हो रहा है या व्याख्या कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा अगर हम लोग देखेंगे, अगर इस जो समांतर श्रेणी है उसका 21वां पद क्या हो रहा है, तो ए प्लस का 20d होगा। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पर ऊपर आपके पास दिया हुआ था, ए का मान कितना है जी और डी का मान दोनों देख लेते एक बार, ए 63 और डी माइनस 3, 63 और डी जो है माइनस का 3 है, 63 माइनस का 60 3000। अच्छा 22वां पद अगर निकाले तो ए प्लस का 21d होगा और 63 माइनस का 21 गुना में माइनस का 3, तो 63 माइनस 63 0। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 22वां पद शून्य होने के कारण n के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि उसको जोड़ने या ना जोड़ने से कोई फर्क नहीं हो रहा पड़ेगा ठीक है ना। आप 21वें पद तक जोड़ दो या फिर उसमें अगला 22वां पद यानी 0 जोड़ दो तो कोई फर्क पड़ेगा मान में नहीं ना, इसलिए n का मान दोहरा आ रहा है। समझ गए बात को? क्वेश्चन नंबर 14।